दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप ग्रो ऐप में इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, तो आपको ग्रो ऐप डाउनलोड करना है। जैसे कि हम यहाँ पे अपना ग्रो ऐप डाउनलोड करते हैं, तो ग्रो ऐप कुछ इस प्रकार का है, तो आपको इसको ओपन करना है। तो अभी हम आपको बताते हैं इसमें आप इन्वेस्ट किस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपना पहले से हम इसमें अकाउंट वगैरह है हमारा, इस वजह से ही हमारा डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा नाम वगैरह, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो जाता है, पर्सनल डिटेल भी हमारा यहाँ पे शो हो जाता है। तो चलिए हम एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं। तो हमें जिस फंड में हमें निवेश करना है, उस फंड को हमें सबसे पहले तो सर्च करना रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, बेटर, तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन वो शो हो जाते हैं। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आप हाई रिटर्न पे क्लिक कर सकते हो। और हाई रिटर्न में आपको कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसमें आप देख सकते हो आपको रिटर्न में लगभग 20.8% का आपको रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा 3 ईयर में। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर में आपको 19.7% का आपको रिटर्न यहाँ पे वो मिल जाएगा। और 5 ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 11.3% का आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर आपको इस पे निवेश करना है तो आप वो किस तरीके से कर सकते हो, इसमें दो प्रकार के आप निवेश कर सकते हो। या तो आप वन टाइम अपना जो भी अमाउंट है वो निवेश कर सकते हो, या आप मंथली SIP कर सकते हो। मंथली SIP यानी कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट, जैसे कि आपका EMI रहता है, सेम EMI की तरह आप निवेश करवा सकते हो। मंथली आपके बैंक अकाउंट से ऐड टू डेबिट ये हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको दोनों तरीके से हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम वन टाइम पे क्लिक करते हैं। आप एक ही बार निवेश करना चाहते हो तो आप वो किस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 5,000, 10,000, 20,000। तो हमें चाहे तो हम 5,000 हमको निवेश करना है तो हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा किस में निवेश हमें करना है वो यहाँ पे डिटेल आ जाता है। जैसे कि हमारा जो ग्रो बैलेंस है अभी 0 है, इसलिए हमें पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा डेबिट अकाउंट नंबर वगैरह आ जाता है। जैसे कि हमने हमारा HDFC का यहाँ पे ऐड है अकाउंट, इस वजह से वो सारा डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने लिया है। आप यहाँ पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या अदर ऐप से भी पेमेंट कर सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू, UPI ID से या NFT, RTGS या IMPS इस अकाउंट नंबर पे आप कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप वन टाइम पेमेंट कर सकते हो। और दूसरा तरीका है वो है मंथली SIP। आप मंथली जितना अमाउंट निवेश करना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे अपना 1000 सेलेक्ट करते हो और प्रोसीड पे क्लिक करते हो। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस प्लान में हमें निवेश करना है वो प्लान यहाँ पे शो हो जाता है। तो हमें यहाँ पे पे क्लिक करना है। पे क्लिक करने के बाद सेम चीज़ें यहाँ पे आ जाती है कि हमें किस बैंक अकाउंट से हमारा डेबिट पेमेंट हो जाएगा। मंथली जो मंथली SIP हमने चुनी रहती है उसका पेमेंट हमें अभी करना रहता है, और उसका नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट रहता है वो 30 दिन के बाद आ जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। सेम चीज़ें गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या अदर ऐप से भी आप पेमेंट कर सकते हो, या नेट बैंक के थ्रू या UPI ID से भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको IMPS RTGS करना है तो आप इस तरीके से इनके अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से यहाँ पे अपना ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हम आपके लिए रोज़ ला कर रहते। तो चलिए मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।